प्राचीन भारत के जो ऋषि मुनि होते थे यू नो द फैक्ट दैट वो बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री यूज़ करते थे उस समय हम बायोकेमिस्ट्री शब्द नहीं जानते थे बट द फैक्ट इज़ आयुर्वेदा में जब भी आप देखते थे कि वो भी ऋषि थे मुनि थे वो एक ओखली थी उनके उसमें जड़ी बूटियाँ डाल के उनको उनका मिश्रण बनाते थे मिश्रण इसलिए बनाते थे बिकॉज ये सारी जो जड़ी बूटियाँ आपस में जब रिएक्ट करती हैं उससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है वॉन्ट टॉकन दिस वीडियो अब वाइटामिन सी पिछले एक साल में uh, कोरोना की वजह से वाइटमिन सी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज सब ने रियलाइज कर दिया कि वाइटमिन सी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है पर एंटी एजिंग में तो वाइटमिन सी सदियों से यूज किया जा रहा है एंटी एजिंग सीरम्स एंटी एजिंग क्रीम्स जो भी एंटी एजिंग तत्व होते हैं उसमें वाइटमिन सी हमेशा होता है राइट वायटामिन सी यानी कि अस्कोपिक एसिड वाइटमिन uh, सी का जो सबसे प्योरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है वो हमेशा सीरम में होता है जैसे तो वाइटमिन सी की क्रीम्स आती हैं, सनस्क्रीन आता है बट द फैक्ट जो वाइटमिन सी के जो सीरम्स होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाई होता है आई शो यू फॉर एक्साम्पल आप कोई भी वाइटमिन सी सीरम की बॉटल लो हमारे का सी सीरम खुद ही देख लो ये हमेशा ऐसी बॉटल्स होती हैं जिनमें हमेशा एयर टाइट होती है ऊपर एक ढक्कन जरूर आता है फॉर द सिंपल रीजन वाइटमिन सी नॉर्मली जो एटमोस्फेर से कॉन्टैक्ट में आते हैं ऑक्सराइज होने लग जाता है क्रीम लोशन पोशन जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता पर इसके साथ ऐसा होता है बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड वाइटमिन सी फैक्ट इज वाइटमिन सी में ऐसा क्या है विच इज रेली हेल्पफुल राइट विटामिन सी बेसिकली आपके जो स्किन है उस पर एक जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है जो बेसिकली सन एक्सपोजर होता है जो बेसिकली ऐसी चीजें होती, होती है जिसके वजह से डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन होती है विटामिन सी उन सबको कंट्रोल करने लग जाता है ना इन दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई आउं टेल यू माइंड उसके बाद विटामिन सी सीरम जो कि एंटी एजिंग है इसमें दो चीजें और हैं विच हेज एंड लिक्रिश ओके नाउ यू नो व्हेन यू व्हेन यू टेक एन यून्यूज प्रोडक्ट ये आप जो डिस्क्रिप्शन कभी टाइम मिल मिलेगा तो पढ़ना जरूर इसमें टॉक अब दैक्ट नुस्खे व्यापार इस पर हम आयुर्वेदिक गुडनेस को मॉडर्न साइंस के साथ फ्यूज करते हैं दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट और राइट इसमें तीन चीज़ें है विच हेजल लिक्रिश और आयुर्वेदा और वाइटमिन सी वाइटमिन सी मैंने आपको बता दिया जो लिक्रिश है लिक्रिश मुलेटी राइट मुलेटी में बेसिकली ग्लैब्रडन होता है ग्लैबर एक ऐसा तत्व होता है जो बेसिकली टाइरोसिन टाइरोसिनस एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आपके स्किन पर डार्क स्पॉट्स आने लग जाते हैं सो ग्लैब्रडन टाइरोस को रोकता है राइट right? और एक लैबोडन होता है किसने मुलेटी यानी कि मुले लिक्रिश में होता है जो विच हेजल होता है विच हेजल एक्चुअली इज इज अ नॉर्थ अमेरिका इज इट्स अ प्लांट उसमें एक फूल वूल होते हैं और वो जो फूल होते हैं वट दैट दैट डज इज विच इजल हमेशा अरोमा ऑयल्स में यूज़ किया जाता है इट इट काम्स योर स्किन डांट इट्स डाउन। तो ये जो तीनों चीज़ों का मिश्रण है जो हमने अपनी वाइटमिन सी एंटीजेजिक सीरम में डाला है वन यू यूजिंग इट आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फायदा करता है और राइट द बेस्ट बार इज वाइटमिन सी सीरम यूज़ करने बहुत आसान होते हैं कोई भी वाइटमिन सी सीरम आपने सिर्फ ऐसे दो पंप लिए वाइटमिन सी सीरम हमेशा टोनर के बाद जाएगा आपके फेस पर और राइट और मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन के पहले जाएगा तो आप उसको सुबह उठ लिया आपने उठ गए आपने उसका इतना चेहरा धो दिया हमारे पास वाइटमिन सी का एक अच्छा सा फेस वॉश भी है विच इज वाइटामिन सी फेस वॉश

बीवी क्रीम इज़ अ कॉस्मेटिक क्रीम बाकी क्रीम से जो आपको इंस्टेंटली ग्लो देते हैं बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर 24-25 साल की उम्र से यूज़ करना शुरू करते हैं आप बेसिकली ये मिक्स शुरू करो कि वाइटमिन सी की वजह से आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज़ होगी और लॉन्ग टर्म आपको रिंकल्स कमाएंगे फाइनलाइन कमाएंगी वाइटम सी देश पार्ज ऐसे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है जैसे ये फिलहाल फिलहाल तो ये बहुत सस्ता है ऐसे ये ट्रिपल नाइन का स्टाराफन डॉट कॉम पर वैसे डिस्काउंट के साथ सेवन नाइनटी नाइन का बिक रहा था फिलहाल तो जैसे डिस्काउंट कोड विच इज लव यू बिकॉज आई लव यू वो यूज करते आपको पच्चीस परसेंट ऑफ मिलता है मतलब ये ट्रिपल नाइन का आपको फिलहाल सिर्फ फाइव नाइनटी नाइन पर मिल रहा है पर द बेस्ट फॉट ये वैसे महंगा लगे पर आपको एक बॉटल ये दो महीने चलेगी सो दिस इज अ ग्रेट इवेस्टमेंट फॉर यिन राइट एंड वट आई टेल ओर बायो केमिस्ट्री इज अ फैक्टर हम अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमने जैसे आपने देखा होगा आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं आपने कोई कोई चीज़ें मुंह पे लगा ली राइट उससे थोड़ी आपको राहत मिलती ठीक नहीं होती क्योंकि वो चीज़ें आप जब परत लगाते हो वो सिर्फ ऊपर की परत पे आपके स्किन पे होती वो एक्चुअली आपके मोलिकुलर लेवल पे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती ये जो चीज़ें लैब में बनती इन चीज़ों का मिश्रण बना के बेसिकली इनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है ये आपके एक्चुअली पोर्स के अंदर पेनिट्रेट करके उस प्रॉब्लम को हटाती है तो वाइटामिन सी सीरम आपके पोर्स को टाइट रखेगा आपके स्किन रिजुवनेशन में मदद करेगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस द बेस्ट फार बार दिस प्रोडक्ट इज द फैक्ट दर्ट इट्स सो ईजी टू यूज़ और राइट दिस बिकम्स पार्ट ऑफ योर डेली हैबिटिट वाइटामिन सी सीरम्स अब काफ़ी लोग जानने लगे कि कितना इंपॉर्टेंट दो चीजें सनस्क्रीन विच यू शड यूज एवरी सिंगल डे इन वाइटामिन सी सीरम डाइट